हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग LTE प्रोटोकॉल टेस्टिंग का पार्ट 15 पढ़ते हैं। पार्ट 15 में हम लोग बात करेंगे QXDM टूल के बारे में। तो आपने ऑलरेडी अगर मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा होगा, तो मैंने QXDM टूल के बारे में बोला था कि एक QXDM एक टूल होता है जो हम लोग अपने लॉग कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप इसको फील्ड में यूज़ करना चाहते हैं तो फील्ड में भी यूज़ करते हैं इसको, UV साइड में, UNOT भी साइड में। अगर UV टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं आप, तब भी QXDM टूल का यूज़ किया जाता है। अगर आप UNOT भी टेस्टिंग में जा रहे हैं तब भी आपको ये टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह का UV टेस्टिंग, प्रोटोकॉल टेस्टिंग जा रहे हैं, आप किसी भी तरह के टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं आप, तो यहाँ पर QXDM टूल की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप ये क्या करें कि QXDM टूल के लिए जैसे क्या करते हैं, आपने अगर RF ड्राइव टेस्ट अपने किया है तो टेम्स और नेमो के बारे में आपने सुना होगा, तो सेम वही टूल है, QXDM एक वही टूल है जो लॉग कलेक्शन के लिए होता है। तो RF में हम लोग टेम्स टूल का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग टेम्स टूल्स कैसे कनेक्ट करते हैं या नेमो टूल्स कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं और किस तरह से हमको इंस्टॉल करते हैं और कहाँ से लॉग कलेक्ट करते हैं, कैसे लॉग को सेव करते हैं, तो ये सभी आपको मालूम होगा ही। तो ये भी टूल एक QXDM प्रोटोकॉल टेस्टिंग में बहुत ही पॉपुलर टूल है। वो क्वालकॉम का टूल है जिससे हम लोग मोबाइल्स अगर UV टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, मॉडर्न टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसको भी क्वालकॉम का टूल यूज़ करते हैं। अगर लैब में जा रहे हैं तो लैब में भी UV साइड में आपको ये टूल्स यूज़ करना पड़ता है और इसी से लॉग आपको कैप्चर करना पड़ता है प्रोटोकॉल टेस्टिंग में। फील्ड में क्या करते हैं, फील्ड में सेम आपको टेम्स की तरह, नेमो की तरह जो भी होता है टूल्स, उसमें प्रोब की तरह सेम आपको इंस्टॉल करना है। फील्ड में जाना होता है, UV कनेक्ट करना होता है और UV कनेक्ट करने के बाद आपको लॉग कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो होते हैं आपको यहाँ पे भी, तो आपको थ्रूपुट के लिए है, अटैच प्रोसेस के लिए है, हैंडओवर के लिए है, जो भी है। जैसे आप लोग ड्राइव टेस्ट करते हैं सेम उसी तरह से इससे भी लॉग कलेक्शन करते हैं हम लोग QXDM के थ्रू। फील्ड में क्या करते हैं, तो फील्ड में मैंने बताया होगा आपको कि शील्डेड बॉक्स से आप अगर आर्किटेक्चर देखेंगे UNOT भी साइड का, UNOT भी का आर्किटेक्चर देखेंगे तो EPC रहता है। EPC से कनेक्टिविटी क्या रहती है, स्विच या राउटर के थ्रू उसको UNOT भी से कनेक्ट करते हैं और UNOT भी क्या करता है, उसमें RH कनेक्ट रहता है UNOT भी से, और RH से हम लोग एटोनेटर को कनेक्ट करते हैं और एटोनेटर क्या होता है, एटोनेटर से आपका शील्डेड बॉक्स कनेक्ट रहता है और वहाँ से आपको एक PC के थ्रू QXDM इंस्टॉल होता है। वहाँ पे आपको ये QXDM भी इंस्टॉल किया जाता है और यहाँ पे डिवाइस और इसको कनेक्ट किया जाता है शील्डेड बॉक्स के थ्रू, मीन्स QXDM और UV के साथ में इसी कनेक्टिविटी होती है। तो इसमें लैब व्यू में भी ऐसे ही आपको यहाँ पे आप यहाँ पे सभी जो भी लैब में जो भी वर्क हो रहा है, जो भी आपको सिग्नल फ्लो हो रहा है, तो ये सभी आप QXDM में देख सकते हैं, लॉग कैप्चर कर सकते हैं, लॉग एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, QXDM टूल क्या है और कैसे होता है। तो QXDM का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा है, QXDM का फुल फॉर्म होता है क्वालकॉम एक्सटेंसिबल डायग्नोस्टिक मॉनिटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्वालकॉम का टूल है इसलिए इसका क्यू का मतलब क्वालकॉम हो गया और एक्सटेंसिबल डायग्नोस्टिक मॉनिटर इसको टूल बोलते हैं। इसमें चलिए हम लोग बात करते हैं QXDM टूल किस तरह से यूज होता है। आपको अगर बेसिक्स आपको मालूम होगा तो ये बहुत ही ईजी अंडरस्टैंडिंग है। ये क्या होता है कि रियल टाइम डेटा कलेक्शन, इसमें जो भी रियल टाइम डेटा है उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग इस टूल्स का यूज़ करते हैं। तो अभी करंट में हम लोग 4G 5G और प्रीवियस जो भी टेक्नोलॉजी थी और लीगेंसी टेक्नोलॉजी जो भी थी 2G 3G जो भी थी उसके लिए हम लोगों ने इस QXDM टूल को यूज़ किया है। इसमें क्या होता है, क्वालकॉम बेस्ड मोबाइल सिग्नलिंग एंड डेटा डिटेल्स लॉग फॉर डिबगिंग पर्पस, इसको क्या करते हैं, क्वालकॉम के जो भी मोबाइल सिग्नलिंग और डेटा डिटेल्स होता है उसको डिबगिंग पर्पस के लिए भी इसको QXDM का यूज़ करते हैं। वेदर इट इज़ फील्ड टेस्टिंग और लैब टेस्टिंग, इनिशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और करियर एक्सेप्टेंस, QXDM इज़ अ मोस्ट एक्सेप्टेड टूल। आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर फील्ड टेस्टिंग में जा रहे हैं, लैब टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो किसी तरह का कॉल फ्लो हो रहा है, किसी तरह का डेटा फ्लो हो रहा है एक दूसरे के बीच में, या इनिशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट है किसी तरह का, तो उसमें QXDM का बहुत बड़ा रोल होता है। ये होता है QXDM। तो इसमें क्या कौन कौन से कैप्चर्स लॉग कैसे कर सकता है, QXDM प्रोफेशनल टू कैप्चर एंड मॉनिटर प्रॉपर्टी डायग्नोस्टिक लॉग्स, मैसेज एंड इवेंट सच एज हार्डवेयर ब्रिंगअप, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर डिबग एंड वेरिफिकेशन और सिग्नलिंग। इसमें जो भी है आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी है इसमें लॉग्स,
मैसेज और इवेंट जो भी होता है, अगर हार्डवेयर आपको चेक करना है, हार्डवेयर चेक करें, सॉफ्टवेयर चेक करें, मैसेज चेक करें, इवेंट्स कोई हो रहा है, आपका कुछ भी एंड टू एंड को भी अगर डेटा फ्लो हो रहा है, किसी भी तरह का मैसेज हो रहा है या किसी भी तरह का इवेंट वहाँ से ट्रेवल कर रहा है, तो उसको क्या है, हम लोग QXDM के थ्रू लॉग्स को कैप्चर कर सकते हैं और उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। ये हमारा QXDM है। QXDM का इंस्टॉलेशन क्या होता है, तो हम लोगों के पास एक QXDM क्या है, उसको लाइसेंस वर्जन लेते हैं हम लोग, और कंपनी आपको QXDM टूल्स, जैसे आप टेम्स और नेमो यूज़ करते हैं, प्रो भी यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही आपको ये QXDM का सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी से मिलता है, उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, सेम वैसा जैसा आप लोग टेम्स के लिए करते हैं या अदर टूल्स के लिए जो हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग इसी तरह सेम इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, QXDM इंस्टॉल करने के पहले QPSTX सॉफ्टवेयर होता है, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि QXDM नीड्स QPST सर्वर सपोर्ट, उसको QXDM को वर्क करने के लिए QPST सर्वर का सपोर्ट होता है चाहिए। इसके लिए हम लोग QPST लॉग्स को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो QPST के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग QXDM के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूछा था QXDM आपने यूज़ किया है, कहाँ यूज़ किया है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे लॉग फाइल्स आप देखते हैं, अगर थ्रूपुट की लॉग फाइल देखनी है, ब्लर की लॉग फाइल्स चेक करनी है, या किसी अदर मैसेज RSRP चेक करना है, तो आप कहाँ देखते हैं, कौन से विंडो में आप देखते हैं। तो सेम जैसे आपने टेम्स में देखा हो, सेम वही है। तो QPST के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग QXDM पर बात करते हैं। तो हम लोगों ने QXDM को इंस्टॉल करने से पहले QPST सर्वर सपोर्ट के लिए QPST एक सॉफ्टवेयर, उसको भी इंस्टॉल करते हैं। इसको हम लोग XP और अदर सिस्टम वर्जन जो है उसको इंस्टॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्लियर हो गया। जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो आपको मालूम होगा कि इंस्टॉल होने के बाद हम लोग उसमें अपना यूज़र नेम, लाइसेंस वर्जन, एडमिन की, और उसके बाद लाइसेंस लिमिटेड ड्यूरेशन, वो सभी आपको पासवर्ड, ये सभी डाल के उसको एक्टिवेट कर देना होता है, QXDM को एक्टिवेट करना होता है। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी QXDM को एक्टिवेट करते हैं। जैसे एक्टिवेट हो जाता है, मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, तो आप जैसे ही क्या करते होंगे, आप टेम्प्स में करते होंगे कि जाके आपको फाइल लैपटॉप में जाके आपको यहाँ से QXDM को सर्च करना, और QXDM जैसे इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, और उसके बाद QXDM प्रोफेशनल यहाँ पर दिखाई देता है, और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करते हैं तो ये सभी आपका QXDM ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होता है क्या, तो ओपन होता है तो उसके लिए हम लोग पोर्ट डिफाइन करते हैं, मीन्स आपका UE क्या होता है, व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड इंसर्ट द टर्मिनल। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो गया, आपने QXDM ओपन किया, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टर्मिनल मीन्स अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं, और अपना मोबाइल जैसे इंसर्ट करते हैं तो उसको पोर्ट डिफाइन करना पड़ता है हमको, कि पोर्ट हमें कनेक्टेड है नहीं है, कौन सा पोर्ट हमको कनेक्ट करना है। जैसे आपने नेमो में पोर्ट डिफाइन किया होगा, नेमो टूल्स है जो आप ड्राइव टेस्ट के लिए जो यूज़ करते हैं, वही सेम टूल यहाँ पे उसी तरह हम लोग पोर्ट को डिफाइन करते हैं, पोर्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, टूल बार में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम वहाँ पे, तो वहाँ क्या होता है, जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पोर्ट दिखाई देता है, जो अभी रनिंग पोर्ट है COM23 है यहाँ पे, तो उस उसको पोर्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर में जाके आपको कॉम पोर्ट देखना होता है कि मैंने जो इंसर्ट किया है कोई भी पोर्ट जो है वो कौन सा पोर्ट है। क्वालकॉम का यहाँ पे लिखा हुआ, क्वालकॉम का 90 bit COM23। तो सेम यह देखने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन के बाद कम्युनिकेशन में जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे जाएंगे तो मेरा COM23 यहाँ पे दिखाई देता रहता है, वहाँ पे हम लोग उसको सेलेक्ट करके और कॉम को कनेक्ट कर देते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे हम लोग ड्राइव टेस्ट में करते हैं, ये इसको कॉम को कनेक्ट कर दिया। अब मेरा कनेक्ट होने के बाद अगर बाई चांस क्या होता है कि अगर कॉम पोर्ट डिफाइंड नहीं होता है यहाँ पे, ऑटोमेटिक आपको कॉम पोर्ट नहीं मिल रहा, आपने सभी सॉफ्टवेयर किया, सभी चीज़ इंस्टॉल किया है इसमें, और जो भी अपना अदर सॉफ्टवेयर है, USB ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया है, फिर भी ये कॉम पोर्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग उसको मैनुअली हम लोग उसको कॉम पोर्ट को डिफाइन करते हैं। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, QPST टूल का यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू हम लोग QPST टूल के थ्रू हम लोग कॉम पोर्ट को डिफाइन करते हैं।
तो यहाँ पे ऑलरेडी देखा मैंने कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर QSD हम इंस्टॉल करते हैं तो आपको QPST इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक हेल्प हमको ये मिलता है कि आपको अगर QPST इंस्टॉल किया आपने और आपका पोर्ट डिफाइन नहीं है, अगर पोर्ट आपको शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से जाके QPST को ओपन करेंगे। आप QPST को ओपन करके QPST कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का पोर्ट आपको जाएंगे वहाँ पे तो ऐड न्यू पोर्ट, यहाँ पे अगर इनेबल नहीं है तो ऐड न्यू पोर्ट में जाके और देन ऐड द डायग्नोस्टिक पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट ऐड करेंगे और उसके बाद वो पोर्ट वहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ये होता है काम आपका QPST का, अगर पोर्ट डिफाइंड नहीं है तो हमको इसको इनेबल कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब फिर हम लोग आते हैं, जैसे ही क्या होता है QSTM ओपन होता है, तो QSTM ओपन होता है तो ये चार आप सेटिंग कर सकते हैं या ऐसे ओपन होता है, इसमें चार विंडो ओपन हो के आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपको। एक LTE ML1 सर्विंग सेल मेजरमेंट डिस्प्ले, एक होता है LTE ML1 डाउन DL थ्रूपुट एंड ब्लर, एक होता है फिल्टर व्यू और एक होता है LTE स्टेट चेंज प्लॉट। तो ये इसका हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। इसमें ये क्या होता है कि जैसे ही ये विंडो दिखाई देगा आपको तो इन सभी विंडो में, जैसे LTE ML1 आइडल सर्विंग सेल मेजरमेंट डिस्प्ले, इस विंडो में आपको फिजिकल सेल ID, फ्रिक्वेंसी चेक, द RSRP एंड SINR, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें QHDM में आपसे पूछा जाता है कि आपने QHDM पे वर्क किया है तो आप RSRP किस विंडो में दिखते हैं, उस विंडो का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको LTE ML1 आइडल सर्विंग सेल मेजरमेंट डिस्प्ले अगर आइडल मोड में है। अगर पूछा जाता है कि थ्रूपुट और ब्लर कहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे LTE ML1 DL थ्रूपुट एंड ब्लर, तो यहाँ पे ये आपको बोलना होता है कि ML1 DL थ्रूपुट एंड ब्लर का जो एक विंडो होता है वहाँ पे हम लोग थ्रूपुट और ब्लर को चेक करते हैं। फिल्टर व्यू में क्या होता है, फिल्टर व्यू में हम लोग चेक द RA RRC NAS मैसेज ड्यूरिंग द अटैचमेंट ऑफ व्यू, जो भी NAS मैसेज RRC मैसेज जो भी फ्लो हो रहा है, जब भी फ्लो हो रहा है तो उस समय हम लोग उसमें RRC और NAC मैसेज फिल्टर व्यू में वहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट आता है मेरा एक व्यू आता है, बहुत सारे अभी लोग मैसेज हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके बहुत से सारे विंडो ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट जो डिस्प्ले है, इम्पोर्टेंट मेरा जो विंडो है, ये चारों इम्पोर्टेंट डिस्प्ले है जो हमको हमेशा ओपन करके रखना पड़ेगा। लॉगिंग आप जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह से लॉग कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये ओपन करके और इसके बारे में जानकारी रखनी ही पड़ेगी। चौथा हो जाता है LTE RRC स्टेट चेंज प्लॉट, इसमें क्या होता है चेक RRC स्टेट ड्यूरिंग द अटैचमेंट ऑफ EU, इसमें RRC स्टेट हम लोग चेक करते हैं ड्यूरिंग द अटैचमेंट ऑफ EU, और जब UE अटैच करता है नेटवर्क को उस समय हम लोग ये डिटेल देखते हैं। तो ये सभी अटैचमेंट ऑफ UE अभी हम लोग अटैच डिटेल्स पढ़ेंगे, हम LTE का UE अटैच प्रोसेस अभी हम लोग को पढ़ना है, तो इसके पहले हम लोग ये सारे बेसिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अटैच के बारे में भी जाएंगे। अटैच है, रैच प्रोसेस है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, सिक्योरिटी मोड कमांड है, बहुत सारे UE कैपेबिलिटी है अभी, तो उस सभी बारे में हम लोग इस वन बाई वन डिस्कशन करते चलेंगे। तो ये आपको मालूम होगा कि QSTM में हम ये चार विंडो ओपन करके रखते हैं और इसमें हम लोग अपने RSRP, PCI वैल्यूज, SINR, DL थ्रूपुट, ब्लर, RRC मैसेज, NAS मैसेज जो भी होता है इस विंडो में हम लोग देखते हैं। तो आपको ये मालूम होगा यहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं, जैसे ही ओपन करेंगे विंडो यहाँ से हम लोगों ने इसको देखना शुरू कर दिया, आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग, तो इसके बाद क्या होता है मेरा, हम लोग देखते हैं कि अगर हमको क्या करना है, कुछ फिल्टर करना है, कुछ देखना है, जैसे मान लिया कि अगर कोई लॉक्स L2 L3 लॉक्स हमको देखना है कि कैसे देखते हैं कॉन्फ़िगर, अगर मान लिया कि हमको लॉक्स देखने हैं, हमें फिल्टर व्यू कैसे लगाना है, पूछा जाता है फिल्टर आप कैसे करते हैं लॉक्स को, कि कौन सा, अगर आपको लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लॉक्स देखने हैं आपको तो कैसे उसको चेक करते हैं, कहाँ देखते हैं आपको। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे यहाँ पे चेक, आप जो शॉर्टकट में था F12 लगा दें और उसमें क्लिक द राइट क्लिक करेंगे उसमें और उसके बाद ओपन ये विंडो फिल्टर आपका ऑप्शन आ जाता है। वहाँ पे हम लोग जैसे फिल्टर ऑप्शन सेकंड में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं आप देखेंगे
लॉग पैकेट इसमें क्या होता है, आइटम लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, उस आइटम लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन में लॉग पैकेट्स पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लॉग पैकेट्स पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मेरा आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, विल गेट द लॉग्स ऑफ L1, L2, RRC का मैसेज, RLC, PDCP, NAS, जो भी GSM का लॉग्स आपको देखना है, LTE का लॉग्स देखना है, आपको कौन सा लॉग्स देखने हैं, आप कौन सा लॉग्स आपको देखना है, आपके कौन से लॉग्स को एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे जैसे LTE का आप देख रहे हैं, यहाँ पे LTE का LTE में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो LTE में बहुत सारे यहाँ पे जो है लॉग्स दिखाई दे रहे हैं, RLC का है, PDCP है, RRC है, NAS है, तो ये सभी लॉग्स आपको देख सकते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे फिल्टर करके, कैसे फ़िल्टर लगाते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर लगा के जो भी आपकी ज़रूरत है, RLC लेयर की लॉग्स चाहिए आपको, RRC लेयर्स के लॉग्स आपको चाहिए, उसको लॉग्स में एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ से फ़िल्टर लगा के हम लोग ये सभी ले सकते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है कि अगर आपको देखिए मैनेजमेंट लेयर्स में क्या क्या है, जैसे चूज द मैसेज विच नीड टू ऑब्जर्व, हियर वी यूज़ द प्रोसेस UV अटैच एग्जाम्पल, एक UV अटैच का एग्जाम्पल लिया, और UV अटैच एग्जाम्पल में अपने उन्होंने क्या किया, LTE में RRC लेयर को सिलेक्ट कर दिया और NAS लेयर को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने सेलेक्ट किया लॉग पैकेट, यहाँ से लॉग पैकेट को सिलेक्ट किया, उसके बाद इन्होंने LTE में गए, और LTE में जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, जो भी अटैच प्रोसेस का प्रोसीजर इन्होंने लिया, तो अटैच के बारे में हम UV अटैच नेटवर्क को कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे QXDM में देख लीजिए क्या हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, लेयर ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स के लेयर होते हैं, तो अगर क्या किया, UV अटैचिंग टू द नेटवर्क प्रोसेस ऑफ UV अटैचिंग, उसमें उन्होंने क्या लिया, एक RRC लेयर्स को ले लिया, एक NAS लेयर लिया, और एक इसमें क्या किया मैनेजमेंट लेयर 1 इसमें करके, और जो भी आपको सिलेक्ट करना है इसमें रैंडम एक्सेस मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, रैंडम एक्सेस रिपोर्ट, या रैच प्रोसेस जो भी होता है, रैच प्रोसेस आपको ये अभी डिस्कशन करना है हम लोग, रैच प्रोसेस का मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, ये सभी होता है, उसमें क्या क्या जाता है, रैंडम एक्सेस रिक्वेस्ट जाता है, रिस्पॉन्स जाता है, कंप्लीट जो भी है वो सभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, जैसे उन्हें अटैच रैच प्रोसेस को सिलेक्ट किया, तो ये सभी मैसेज आपको यहाँ पे 1 by 1 सेलेक्ट करके ओके क्लिक करते हैं, और हमें डिटेल्स लॉग्स फाइल उसके ले लेते हैं और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपको जो भी ज़रूरत है उसके अनुसार आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अनसेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जैसे ही आप वो सेलेक्ट करेंगे, आपने सेलेक्ट किया, तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया और UV को इंसर्ट कर दिया है आपने, तो कैच द प्रोसेस ऑफ UV अटैचिंग प्रोसेस कंप्लीट शुरू हो रहा है, और ये सभी लॉग्स ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है। तो आप देख लें टाइप्स 1 में लॉग की आ रहा है, नेम क्या है, NAS EMM स्टेट, प्रोसीजर स्टेट EMM स्टेट, OTA मैसेज, तो जो भी OTA मैसेज जो भी आ रहा है, OTA मीन्स जो भी लॉग्स फाइल यहाँ पे हम लोग QXDM में कलेक्ट करते हैं उसको OTA बोलते हैं, OTA लॉक्स कहाँ से मिलता है हमको, OTA ये हम लोग QXDM में इसका नाम देते हैं, हम लोग जो भी लॉक्स हम लोग कलेक्ट करेंगे या OTA मैसेज जो भी है उसको बोलते हैं कि QXDM में हम लोग OTA मैसेज बोलते हैं। NAS के लिए NAS OTA, NAS के लिए NAS, RRC के लिए RRC OTA, लॉक्स का नेम हम लोग इसको बोल सकते हैं, किस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपका फ्लो होना लगे, जैसे ही आपके यू अटैच करेगा नेटवर्क से, तो ये सभी आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो सभी मैसेज आपको यहाँ पे फ्लो होने लगेंगे। अब ये फ्लो होने लगे, आप यू का अटैच प्रोसेस कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, या कुछ मोबाइल ऑन ऑफ कर रहे हैं, या फ्लाइट मोड में ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है आपने यहाँ पे देख रहे हैं आप। अब इस लॉग फाइल को क्या करना है, हम लोग सेव करना है। तो इस लॉग फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+I आप उस पर क्लिक करें, जैसे या तो शॉर्टकट में आपको Ctrl+I करें, नहीं तो अगर ऐसे जाकर सेव करना है उस लॉग फाइल को, तो फाइल में जाइए, सेव आइटम में जाइए, और यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये लॉग फाइल आपकी सेव हो जाएगी आपको एनालिसिस के लिए, और जो भी आपका जो प्रोसेस करना है, आपका लॉग फाइल ये सेव हो गया। अगर इस लॉग फाइल को आप किसी ओपन करना चाहते हैं, इसको ओपन करके फिर से दोबारा इसको एनालिसिस करना चाहते हैं, इसमें एनालिसिस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। क्लियर द लॉक्स, आपको लॉक क्लियर करना है तो Ctrl+I कर दीजिए, क्लियर अवे द लॉक्स ऑफ सिंगल विंडो, शिफ्ट और डिलीट कर दीजिए, ये हो जाता है आपका, पूरी तरह से लॉक्स डिलीट हो जाते हैं। तो ये होता है आपका QXDM। तो ये आपको हमें समझ में आ रहा है कि आपको बहुत सारी यहाँ पे QXDM के बारे में
जो नॉलेज होगी यहाँ पे मिली होगी आपको, क्यूएक्सडीएम के बारे में समझ में थोड़ा आया होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्यूएक्सडीएम होता क्या है, किस तरह से हम लोग लॉग कनेक्ट करते हैं, क्यूएक्सडीएम कैसे हम लोग, सेम वही है। आप अगर ड्राइव टेस्ट इंजीनियर हैं या आप आरएफ इंजीनियर हैं तो आपने बहुत सारे टूल्स पे काम किए होंगे, ड्राइव टेस्ट टूल्स के टूल्स पे काम किए होंगे, सेम वही टूल्स है आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कोई बेसिक ज़्यादा वो टफ़ नहीं है, आपको बस ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर हैं तो आपको क्यूएसटीएम का यूज़ आना चाहिए, यूज़ करना अगर जानते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंटरव्यू में भी यही बताएंगे कि हमें क्यूएसटीएम मैंने किया है, क्यूएसटीएम पे मैंने काम किया। अगर यूवी साइड में जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैंने क्यूएसटीएम टूल को लैब में फील्ड में भी जाके यूज़ किया है, उससे लॉग कलेक्शन किया है और लॉग एनालिसिस किया है इससे, तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। आपसे क्वेश्चन इसमें क्यूएक्सडीएम में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप आरएसआरपी का आरएसआरपी कहाँ देखते हैं, कौन से विंडो में आपको थ्रूपुट दिखाई देता है, कहाँ आपको ब्लर दिखाई देता है, आप कैसे लॉग्स को फिल्टर करते हैं और कहाँ से देखते हैं। तो यानी फिल्टर पार्ट भी मैंने दिखाया लास्ट में, आपने देखा होगा यहाँ पे कि फ़िल्टर भी मैंने दिखाया कि कैसे हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं लॉग्स पैकेट्स में जाके, और आपके ये जो भी आपको 4G है, 3G है, WCDMA है, 5G है, जो भी है, और इसके बाद यहाँ पे LTE में जाते हैं तो बहुत सारे आपको लॉग्स दिखाई देंगे या लेयर्स दिखाई देंगे यहाँ पे। तो जो आपके लॉग्स लेयर्स को सेलेक्ट करना है वहाँ से सेलेक्ट करके आप उसको उस लेयर को लॉग्स को दिखा सकते हैं कि यहाँ से हम लोग फिल्टर करते हैं, जो भी डिटेल्स है आप यहाँ से ले सकते हैं। होप मैं समझता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी कि क्यूएसटीएम के बारे में। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोटोकॉल टेस्टिंग से कंटिन्यूअस देते रहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।